चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद डीएसपी रोड का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ किए। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखी नकदी सहित मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान में हुई चोरी का पता दुकानदार को आज सुबह चला और तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी, लेकिन सूचित किए जाने के काफी देर तक पुलिस का कोई भी कर्मचारी जाँच के लिए नहीं पहुँचा। ये रात को शो मंगल करके गए थे जी, तो सुबह 4:30 बजे के करीब यहाँ से हमारा पड़ोसी डबरा था, क्रॉस कर रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि आधा शटर खुला था, तो हम सुबह 4:30 बजे आ गए, हमने अपनी दुकान संभाली, तो यहाँ पे कस्टमर के 4-5 मोबाइल पड़े थे टच वाले, और यहाँ पे मतलब कि ये कागज़ वगैरह ऐसे खिंडे पड़े थे, गले में 1000-1000 रुपये पड़े थे, वो भी यहाँ से नहीं है, और फ़ोन वगैरह भी चोरी है, ताले दोनों टूटे पड़े हैं, और यहाँ ऊपर 2 सेल पड़े थे टच वाले, वो भी नहीं है। तो कितने का नुकसान लगभग? ये नुकसान है जी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान है जी। तो कब की घटना ये पता लग पाया? ये लग पाया तो नहीं है जी अभी, मतलब कि 11:30 बजे के लगभग हमने एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो हमने सोचा उसको कुछ जानकारी होगी, तो उससे हमने सवेरे कन्फर्म किया, तो वो कहता मैंने इसके लिए फ़ोन नहीं किया था, तो 4:30 बजे के लगभग की घटना हमारे को पता लगी है कि ये वो है। तो कौन सा इलाका है ये? ये DSP रोड है और नज़दीक मतलब कि लक्ष्मण बेकरी के सामने। पुलिस कुछ कह दे दी जाने? हाँ जी दे दी है, फोन कर दिया है, तो वो अब आए नहीं है अभी तक, अभी आएंगे तो फिर थोड़ा आगे कार्रवाई शुरू होगी। बता दें फतेहाबाद में दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब की बार चोरों ने फतेहाबाद DSP रोड पर बनी मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा।